अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। मित्रों, सेहत ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी से उधार मांग लें या बाजार से खरीद कर ले आए। बाजार में सेहत नहीं औषधियां मिलती हैं। सेहत के लिए शरीर और मन को स्वाभाविक स्थिति में रखना पड़ता है। अति भोजन रोग की जड़ है। अधिक भोजन रोग पैदा करने वाला और आयु को कम करने वाला है, इसलिए अल्प भोजी बनो। अन्न को औषधि की तरह सेवन करेंगे तो यह डॉक्टर की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रखेगा। यह जान लें कि कम खाने वालों की अपेक्षा अधिक खाने वालों की मृत्यु अधिक होती है। किसी विद्वान ने कहा कि यह रोग तो रसोई घर से ही उत्पन्न होता है, इसलिए भोजन ही सेहत है और भोजन ही औषधि है। मात्र भोजन के नियमन द्वारा आप निरोगी रह सकते हैं। दूध को खाओ और रोटी को पियो, अर्थात दूध धीरे धीरे चुभलाकर पीने से शीघ्र पचता है, जबकि रोटी को चबाकर पतला बना देने पर शीघ्र पचती है। वैसे भी स्वस्थ शरीर के लिए शरीर को साफ सुथरा, निरोगी, शक्तिशाली और ठीक ठाक रखना होता है, और शरीर में शक्ति भोजन द्वारा आती है। इसलिए सबसे अधिक ध्यान भोजन का रखना पड़ता है। यदि आप अपने भोजन को संतुलित और पौष्टिक एवं अल्प भोजी हो जाएंगे तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। वैसे भी पहला सुख निरोगी काया है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। अगले सप्ताह हम किसी अन्य स्वास्थ्य चर्चा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।